सूक्ष्म मृदि विज्ञान चैनल के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं अर्थात हमारे चैनल में प्रथम बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। चूंकि हम आज एक विशिष्ट जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए चैनल को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें, जिससे कि आपके जीवन में आमूलचूल सुधार आवे। और ऐसी चीज आज बता रहे हैं कि ये अगर आपने कर लिया तो शायद जीने का तरीका ही बदल जाएगा। क्यों, देखिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साधना किया करते हैं जानकारी के बिना, बिना गुरु के या किसी कपट गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं और अंत में सफल नहीं होते। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो जिसका बड़ा नाम है, बड़ी ऊंची दुकान है, वो बहुत अच्छे गुरु होते हैं, कोई जरूरी नहीं। आज मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि कैसे भी हो आपको वह जानकारी हम प्राप्त कराते रहें जो कि आपके लिए जरूरी है और जिसका इफेक्ट बढ़िया हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 16 और 17 जुलाई 2019 को हमारे यहाँ अकबरपुर कानपुर देहात में शिविर होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का। तो अगर साधना वास्तव में करना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस शिविर में भाग लें। मित्रों, जो लोग साधना वास्तव में करना चाहते हैं, साधना का जिनको अनुभव चाहिए, सफलता चाहिए, वो लोग शिविर में आएंगे। इसके साथ ही आप लोगों के लिए आवासीय जो साधना केंद्र बनाने की बात चल रही है, तो उसके विषय में भी हम यही कहेंगे कि भाई सब लोग दिल खोल करके इस कार्य में हाथ बटाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी साधना जो आप करेंगे आकर के साधना के लिए साधनालय का निर्माण यानी कि आश्रम का निर्माण हो सके। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे वह बात करने जा रहा हूँ जिस बात को सुनने के लिए आपके कान तरस रहे कि आज मैं क्या बताऊंगा। मित्रों, देवताओं को सबसे प्रिय वस्तु क्या है और हर अच्छा देवता उसको वो चीज चाहिए। अगर वह चीज आप दे देते हैं तो आपको वह देवता भी आशीर्वाद स्वरूप अवश्य अनुग्रहित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा भी गया है कि देवताओं को सबसे प्रिय वस्तु क्या है। देवताओं को धन चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, देवताओं को आपका धन नहीं चाहिए। देवताओं को सबसे प्रिय वस्तु है वो जप होम जो भी आप करते हैं, वो सब अपनी जगह पर है, पर एक अगर उनको पुष्प मिल जाता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्राचीन काल से ही देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, पार्वती इत्यादि को सबसे ज्यादा एक ही पुष्प प्रिय रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी को हमेशा ही कमल के ऊपर बैठा दिखाया गया है, माता सरस्वती को भी कमल के ऊपर बैठा दिखाया गया है, कई चित्रों में गणेश भगवान को भी कमल पर बैठा दिखाया गया है। और लगभग सभी देवताओं के हाथ में एक कमल जरूर दिखाया गया है। भगवान विष्णु के हाथ में भी जो चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा और पद्म,
पद्म यानी कमल दिखाया गया है। तो ये देवी या देवता कमल क्यों पकड़े रहते हैं हाथ में, या ये कमल के आसन पर क्यों विराजमान होते हैं? माता महालक्ष्मी को भी कमलवासिनी कहा गया है, कमलालय कहा गया है, कमला कहा गया है। इसके पीछे कोई न कोई तो राज होगा। अब आज की तारीख में जब आप भगवान पर चढ़ाने के लिए पुष्पों को ले जाते हैं तो ज्यादातर गुलाब मिलता है, गेंदा मिलता है और भी पुष्प मिलते हैं, पर कमल दुर्लभ है, कमल नहीं मिलता जल्दी जल्दी। और हालत तो ये है कि अगर कहीं कमल मिला भी तो वो एक कमल की जो आती है उसकी कली, खिला हुआ पुष्प तो आपको कोई देगा नहीं, और खिला हुआ पुष्प बाजार में मिलता नहीं है, क्योंकि खुला हुआ पुष्प लाएंगे तो एक आध दिन में खराब हो जाता है, और यह तुरंत बिक जाए इसकी भी क्या कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जो दुकानदार होता है, माली होता है, वह उसको लाता है उसकी कली को, और जब आप मांगते हैं तो उसी कली को हाथों से खिला करके वह आपको दे देता है। कलियां निकाल निकाल कर एक एक पंखड़ी निकाल करके आपको दे देता है। अब वो 8 दिन पुराना कमल का जबरन बनाया गया फूल में क्या वो मद होगी, क्या वो सुगंध होगी जो देवताओं को आकर्षित करती है? और बासी पुष्प जो होता है वो देवताओं को वैसे भी पसंद नहीं होता, लिहाजा जो कमल का पुष्प आपको प्राप्त होता है वह बासी होता है और वो देवताओं के योग्य नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे? तो चलो मैं एक बात बताता हूं आपको कि इसको आप अपने घर पर या आपके घर के सामने अगर थोड़ा सा तालाब हो, अगर गांव में रहते हैं तो जनहित में ये काम करें, और अगर घर में ही अगर दरवाजे पे उगाना चाहें, आंगन में उगाना चाहें तो भी इसको हम आपको बताते हैं। एक ये जो आजकल बड़े बड़े ड्रम आते हैं प्लास्टिक के, उस प्लास्टिक के ड्रम को आप ले सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं या आधा भी ले सकते हैं, तो उसको आप ले लें। उसके पहले, ड्रम के पहले एक बड़ा सा तसला हो, प्लास्टिक का भी तसला आता है, उसको ले लें। अब पंसारी की दुकान पर जा करके आप कमल गट्टा खरीद लाइए, कमल गट्टा आप खरीद लाइए, कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम खरीद लाइए। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है ये। अब कमल गट्टे को जब खरीद के लाएंगे तो उसके एक तरफ कुछ नुकीला होता है जहां से अंकुर निकलता है, तो उसको किसी पत्थर पर या कहीं पर रेगमाल पर या किसी छत पर या कहीं भी खुरदरी जगह पर उसको इतना रगड़े उसको कि वह थोड़ा सा, मतलब उसका ज्यादा न रगड़ दे, नहीं तो उसकी जो अंकुर होता है वो नष्ट हो जाएगा। अंकुर नष्ट ना होने दे, उसको रगड़ लें। रगड़ के आप उसको ये भी कर सकते हैं कि उसको पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए, इसके बाद उसको थोड़ा सा हथौड़ी से या किसी चीज से ठोकर मार करके उसको चिटका दें, यानी कि कमल के जो बीज है उसको चिटका दें जिससे कि उसके भीतर पानी घुस जाए, वरना वो महीनों में उगेगा। और ऐसे जब आप कर देंगे तो ये कमल का बीज 5-6 दिन या 7 दिन के अंदर अंकुर फोड़ देगा, पानी में पड़ा पड़ाई अंकुर फोड़ देगा। इसके बाद जब आप देखेंगे लगभग 10-12 दिन बाद तो इससे अंकुर फूट करके और जैसे जवारा गेहूं का निकलता है ऐसी बड़ी एक डंडी उससे हरी हरी निकलेगी। अब इसको क्या करेंगे आप कि थोड़ी सी बालू ले लेंगे, बालू या बजरी यानी मोरल, उसको उसकी तलहटी में थोड़ा डाल करके और उस बीज को उसमें गाड़ देंगे और पानी ऊपर तक इतना भर दें कि करीब 1 बीता पानी भर दें और
ये सब अंकुर ऊपर रहेंगे। तो ये कुछ दिनों बाद धीरे धीरे इनमें पत्ते आएंगे, पत्ते आकर के उसमें पानी आप जो है एक दो दिन में बदलते रहें। पत्ते जब काफी बड़े बड़े हो जाएं तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाएगा, तब आप इसको आप ड्रम में डाल सकते हैं, उसके नीचे भी बालू डाल दें और या मोरंग डाल दें और उसमें थोड़ी सी पोटास आती है और थोड़ी सी आप यूरिया ज़्यादा नहीं और क्या कहते हैं DAP, तीनों का मिश्रण करके इस हिसाब से डालें कि ज़्यादा ना हो, अब पानी के हिसाब से तो उसमें आप डाल देंगे तो उससे उसको पोषण मिलेगा और पोषण मिलते मिलते तो करीब 2-2.5 महीने में आपका काफ़ी उसमें ये पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। इनकी देखभाल करते रहें और समय पा करके, अभी चूंकि अभी ये बरसात शुरू हुई है, आषाढ़ चल रहा है, तो जब ये पत्ते वगैरह इसमें ज्यादा हो जाएंगे तो ये लगभग जाड़े के मौसम में इसमें बढ़िया कमल पुष्प खिलेंगे। अब ये कमल पुष्प खिलेंगे तो जब दिवाली आएगी, माता की पूजा करनी होगी या नवरात्रि में माता को कमल पुष्प चढ़ाने का मन है तो उस समय आप उससे उस कमल पुष्प को ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, छत पर रहते हैं तो छत में भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब ये कमल पुष्प आपके घर में रहने का फायदा क्या होगा, इस कमल पुष्प को घर में जब आप रखेंगे तो दैवी शक्तियों को चूंकि ये पसंद है तो जब आप आवाहन करेंगे तो वो कमल की मौजूदगी ही अपने आप में दिव्यता को आमंत्रित करती है और निगेटिविटी घर की बाहर जाती है। तो इस प्रकार से इस कमल को उगाएं और इसके पुष्पों को प्राप्त करें और जब भी भगवान पर चढ़ाएं तो ये कमल पुष्प ताजा चढ़ाएं। अब आपके अगर गांव में कहीं रहते हैं, आपके पास छोटा बड़ा तालाब है तो वहां पे आप इस प्रकार से इसको उगा लेंगे तो पुष्प तो प्राप्त करेंगे ही और जब पुष्प सूख जाएंगे तो इनमें इनका जो वर्तिकाग्र होता है उसमें आपको कमलगट्टे मिल जाएंगे। कमलगट्टे कुछ लोग हरे भी खाते हैं लेकिन पक जाने दीजिए तो अगले साल के लिए बीज हो जाएगा। और इन कमलगट्टों को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने इनको उगा लिया है और हो गए हैं तो इन कमलगट्टों से आप मखाना भी बना सकते हैं। मखाना तो आपको पता है कि कितना पौष्टिक पदार्थ है। तो जैसे आप देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, कमल पुष्प अगर ना मिले तो आप मखाना भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि मखाना कमल का ही एक स्वरूप है बीज का, तो मखाना आप देवताओं को चढ़ा सकते हैं और कमल गट्टे से आप हवन कर सकते हैं। जैसे श्री सूक्त लक्ष्मी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त पाक का इसका पाठ करते हैं या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो एक श्लोक पढ़ो, स्वाहा बोलो और शहद में डुबो करके उस कमलगट्टे को